नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने को लेकर शिक्षा विभाग इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय अपने पत्र के माध्यम से ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। पूछे जाने पर तेघरा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम उदय महतो ने बताया कि शिक्षा जिला पदाधिकारी बेगूसराय द्वारा शिक्षकों के लिए रोल कोड जारी किया गया है, जिसमें शिक्षकों के लिए स्कूल में ड्रेस कोड भी तय किया गया है। अगर शिक्षक स्कूल में जींस और टी शर्ट पहनकर आते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। महिला टीचरों को भी भड़काऊ कपड़े पहनकर स्कूल में नहीं आने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि DEO द्वारा हाल ही में जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि शिक्षिकाओं को भड़काऊ या ज़्यादा चमकीले कपड़े पहनकर स्कूल में आने पर रोक है। वहीं पुरुष शिक्षक भी जींस टी शर्ट पहनकर स्कूल में न आए। स्कूल में निरीक्षण के दौरान अगर शिक्षक व शिक्षिका इन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उनके वेतन में कटौती की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्कूलों में परिपाटी बदली जा रही है। शिक्षकों को नियत के दायरे में रहकर बच्चों को पढ़ाने की हिदायत दी जा रही है। कक्षा में मोबाइल ले जाने और कुर्सी पर बैठने पर भी रोक लगाई गई है। स्कूल से बिना कारण अनुपस्थित रहने वालों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। इसके लिए समय समय पर विभाग एवं जिला प्रशासन की टीम स्कूल का नियमित निरीक्षण कर रही है। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।